अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ आए हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच के लिए हेमचलिफ स्टेडियम पैटरसन न्यू जर्सी में। तो आज दोनों टीमों के जो स्टार्स का मुकाबला है, पाकिस्तान और इंडिया के दोनों सुपरस्टार्स का क्रिकेट मैच में, तो उसकी कवरेज के लिए यहाँ आए हैं। आपको अंदर स्टेडियम ले चलते हैं। ये पैटरसन का एरिया है न्यू जर्सी में और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ स्टेडियम है। ये हेमचलिफ स्टेडियम पैटरसन के नाम से ये जाना पहचाना जाता है। फ्लैग नीचे करेंगे तो फेस अच्छा आएगा। नो प्रॉब्लम। मोहम्मद अली साहब ये ऑर्गेनाइजर है ये पूरे क्रिकेट के माशाल्लाह टूर्नामेंट के, और वैसे भी बहुत मकबूल शख्सियत है न्यू जर्सी, अमेरिका, न्यूयॉर्क सब की। मैं मोहम्मद अली साहब जो है इसे मैं कहूँ, जरा बताइए इस मैच के बारे में, तफसील बताइए। जी सामने बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा है जी, सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच है। इसमें 6 सेलिब्रिटी है पाकिस्तान से और 6 इंडिया से है। तो मैच पहले ही जो है जो 1-1 पे टाइम होगा ये डिसाइडर है। तो हम यहाँ पे न्यू जर्सी में आए हुए हैं, बड़ी अच्छी सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान में और इंडिया का, एक गर्मा गर्म मैच हो रहा है। तो आप लोग आए, आके देखें इस मैच को, और यहाँ पे एक लिंक भी है, लाइव मैच भी देखा जा सकता है। ये बड़ा जबरदस्त अच्छा माहौल बना हुआ है। आपको पता है जब भी पाकिस्तान क्रिकेट का मैच और इंडिया का मैच होता है तो एक जबरदस्त मैच होता है। मोहम्मद साहब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते हैं माशाल्लाह अमरीका में और या बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाते हैं, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी आगे के क्या क्या प्रोग्राम है आपके? जी हमारी एक अमेरिकन प्रीमियर लीग है जिसमें पाकिस्तान की कम्युनिटी को जो टीम रिप्रेजेंट, वो मेरी टीम है। तो दिसंबर में होगा वो अमेरिकन प्रीमियर लीग का मैच, और कोई भी चीज़ होगी पाकिस्तान से रिलेटेड हो और क्रिकेट से रिलेटेड हो तो मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके नेक मकासिद में, और आप जोड़ के रखते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए दोनों टीमों का तारुफ कराया जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमों का तारुफ कराया जा रहा है यहाँ पर। एक ग्रुप अभी फोटो बन रहे हैं, ग्रुप तस्वीरें बन रही है कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस बैठी हुई है यहाँ पे, इस तरफ पाकिस्तानी ऑडियंस है और उस जानब इंडिया की ऑडियंस है। इस तरफ देखिए ये हमारे सब जानने वाले भी हैं, अभी मैच जो है शुरू होने वाला ही है। देखिए लाइट म्यूजिक चल रही है, ये जो स्पॉन्सर्स के यहाँ बैनर लगे हुए देखे, ज्यादातर कवरेज तो यहाँ स्पॉन्सर ये बैनर से जो पब्लिसिटी से हो जाती है।
मैचेस की। ये देखिए सारे हमारे स्टार्स आ रहे हैं, आगे फखर आलम है सबसे, ये देखिए तो फखर आलम भी है नजर आ रहे, ये हमारे सैयद है, ये रहे। ये हमारे स्टार से सारे देखे, इन आर्टिस्टों के नाम भी, इन स्टार्स के नाम भी पीछे लिखे हुए इनके जो उसमें पहना हुआ इन्होंने शर्ट पे। शादी आरम शायद में आरम मैच अभी भी स्टार्ट हुआ है, दोनों टीमें मैदान में आ गई हैं और बहुत ही अच्छा जबरदस्त लग रहा है, यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं बड़े जोग शौक से यहाँ पे अपनी टीम को अप्रिसिएशन करने के लिए, फैमिली आ रही है और बच्चे आ रहे हैं सब लोग। अभी जब मैच अपने उरूज पे होगा तो बाकायदा लोग क्लैपिंग करेंगे और अपनी अपनी टीमों को बहुत दाद देंगे ये लोग और इनका हौसला अफजाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे ताकि इनमें खेलने में बड़ा कुवत पैदा हो। और वैसे भी क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान और की जब टीमें खेलती हैं तो दुनिया में कहीं भी हो दोनों मुल्कों की टीम के अवाम जो है उनमें बड़ा जोश और जज्बा पैदा हो जाता है। दोनों टीमें ये चाहती हैं, पाकिस्तान की और हमारे दोनों मुल्कों की, इंडिया की, कि ये मैच वो जीत जाए। इसलिए मैच देखने के लिए भी बहुत भरपूर तादाद में लोग शिरकत करते हैं, यहाँ पे आते हैं और दाद देते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें मैच में जो टिकट रखा गया है वो $20 रखा गया है, एक टिकट $20 का है, पर पर्सन अगर शिरकत करे तो उसको $20 का टिकट परचेस करना है, जो यहाँ के हिसाब से तो खैर कोई ज्यादा नहीं है लोग के लिए, क्योंकि क्रिकेट के तो यहाँ पूरी दुनिया में, यहाँ क्या पूरी दुनिया में शौकीन मौजूद है तो वो लोग यहाँ आते हैं और ये टिकट परचेस करते हैं और फैमिली आती है, पूरी फैमिली शिरकत करती है, मैच देखती है, एंजॉय करती है। देखें आप स्टेडियम का जो एक लुक देखें आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह, दूर से नजारा देखें वो, दूर से मसल पुल पे गाड़ियां चल रही हैं और वो सब माउंटेन पे देखे खूबसूरत मकानात बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं,
इधर देखें यहाँ भी बड़े खूबसूरत, ये साथ में इनके जो है ना हमारा ग्रेट पेटरसन फॉल है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ वाटरफॉल होता है जिसका मैंने अभी थोड़ा पहले जिक्र किया था। तो माशाल्लाह देखें अभी शुरू होने वाला है, बड़ा हंगामा होगा यहाँ पे। हंगामा से मुराद है कि क्लिपिंग करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होते यहाँ पे, पीस बड़े पीसफुल माहौल में देखते हैं। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं होती, कोई किसी को वो, क्योंकि यहाँ का कानून भी बहुत सख्त है, चारों तरफ पुलिस मौजूद होती है, उसी वक्त कोई भी हो उसको पकड़ के ले जाती है, गिरफ्तार करके ले जाती है। अमरीका में मकसद है कि ला है, और कोई कोई जरूरत भी नहीं पड़ती कि कोई ऐसा वाक्य पेश आए, क्योंकि सब जो ला अबाइडिंग सिटीजन है, सारे शहरी जो है ना कानून को यह जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। अनडेवलप्ड कंट्री की तरह नहीं है ये लोग कि बदतमीजी शोर शराबा करें और ये जो है अपने अपने मुल्क को बदनाम करें, ऐसा नहीं है यहाँ। बहुत ही दोनों टीमों में जो भी जीतेगा तो वो जो जीतेगा वो भी एक्सेप्ट करेगा अपनी जीत को, और हारेगा वो भी एक्सेप्ट करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि हारने वाला जो है वो एक्सेप्ट ना करे और बहाने बनाए कि भाई ये हुआ वो, यहाँ ऐसा कोई नहीं है चक्कर, है ना। और दोनों टीम की जो अच्छा खेलेगी तो दोनों टीम के जो यहाँ देखने आए शाकिन, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानिस्तानी हो, और वर्ल्ड के यहाँ के मकामी हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, दोनों टीम के अच्छे प्लेयर को और अच्छे खेलने वाले को दाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे उनको ये लोग जो है। ऑस्ट्रो ट्रफ देखिए कितना अच्छा बिछाया हुआ है ऑस्ट्रो ट्रफ यहाँ भी, और इस तरफ भी देखें जैसे रेड कलर का सीटें देखिए कितनी खूबसूरत है। माशाल्लाह देख के दिल खुश हो जाता है कि कितना जबरदस्त है माहौल यहाँ का। आपको और तफसीलात में बताते रहूँगा अभी मैच में जो भी होगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया ने जो है अभी ये मैच खेलना शुरू किया है, and Team India is chasing 75. So what do you guys think? Will they make it? No. पकड़ पकड़। Yo, that's a four. Come on, DJ Ronnie. What can you think? पानी पिला हमको पानी पिला। हमारी टीम के जो है जुनेद आउट हुए, और अभी फखरे आलम
इसकी बैटिंग करेंगे। फैजान आउट है सर, आज जुनेद खेल रहे हैं, अभी जुनेद और फखरे आलम खेल रहे हैं, अभी फैजान आउट हुए हैं, जुनेद खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही है और फील्डिंग जो है फील्डिंग कर रही है इंडिया की टीम। फखर पहले गेंद पे आउट हो गए फखरे आलम से। पाकिस्तानी तीन आउट हो गए, हमारे सही अब हमारे सही जा रहे हैं, हमारे सही हमारे उनके नाम और पुरस्कार है वो जा रहे हैं हमारे सही साहब। अपना जो है ना ये ग्लास वापस करना है, ग्लास पहन के जा रहे थे, दस नंबर है हमारे सही साहब। हाँ दस दस ओवर का मैच है, हाँ सही है, दो ओवर के लिए ट्वेंटी में ज्यादा हो जाता है, सही है, लेट शुरू हुआ। हमारे शहीद जो है वो बैटिंग कर रहे हैं अभी, देखें अभी तक तो तीन प्लेयर तो जैसे आउट हो गए हैं। हमारी शहीद भी बॉल हो रहे हैं, पहले बॉल पे फखर आलम भी पहले गेंद पे आउट हो गए और हमारी सेठ भी पहले गेंद पे आउट हो गए और ये इंडिया वाले खुश हो रहे और म्यूजिक बनना लग रहा है, इंडिया वाले बड़े खुश हो रहे। अभी हमारे सलमान जा रहे हैं, देखो सलमान जा रहे हैं, चार आउट हो गए हमारे, देखो सदर का मैच है, बताएं मैच के बारे में क्या है। क्या प्रिडिक्शन क्या है, कौन जीतती है अभी? अभी तक तो इंडिया का पल्ला भारी, अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी पूरी कोशिश करेगी, चलो देखिए रिजल्ट क्या निकलता। सलमान गया देखो क्या करते हैं। हाँ अगर वीडियो बने तो मुझे भेजिएगा, नहीं बिल्कुल हाँ मेरे तो यूट्यूब पे चैनल पे सब आएगा ना, मैं आपको भेज दूंगा सारा, भेज दूंगा सब, हाँ बिल्कुल भेज दूंगा आपको। चलो जी ये आ गया, आप देखें शॉट, चलो ये सलमान ने तो एक अच्छा शॉट लगाया, आप जुनेद खेलेंगे, हाँ देखो ये क्या करता है, हाँ जुनेद क्या करते हैं सामने जुनेद और जुनेद इस वक्त बैटिंग करेंगे, कल चले जाएंगे। चलो जी देखिए यहाँ स्टॉल लगे हुए माशाल्लाह, बहुत ही
खूबसूरत स्टॉल लगे हुए यहाँ पे, बहुत जबरदस्त यहाँ लोग बैठे हुए हैं और ये सिविलियंस हैं यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह, ये देखें डीजे वगैरह है, क्या चल रहा है यहाँ पे, सब बहुत खूबसूरत। Hello, 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 mic check, 1, 2, 3. Cape Patterson के दाखिले स्टार्ट है ना, कॉलिंग कौन कर रहा है ऊपर से।